वेलकम टू रेलेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में कौन से राज्य किसी मामले में प्रथम रहे हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य, सेवा का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य, GST, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं। कम से कम 25 ऐसे हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF फाइल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और क्लिक करके आप वीडियो को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसलिए हम आपको उस एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु सेवा का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य है। अब बात तमिलनाडु की आई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं बनवारीलाल पुरोहित, और तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं E.K. पलानीस्वामी। दोस्तों, आपको हर राज्य की राजधानी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री एकदम फ्लो में याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा में कैसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सेवा का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य है। अब दोस्तों, राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र, और राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। दोस्तों, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसे पिंक सिटी कहते हैं, और हाल ही में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो दोस्तों, अहमदाबाद के बाद भारत का जो दूसरा एक शहर है जयपुर, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो दोस्तों ये करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज आरंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पंचायती राज को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है राजस्थान। अब दोस्तों, अभी हमने राजस्थान के बारे में बात कर ली, अब हम थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में आपको बताते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1993 में पारित हुआ था, और इसे 11वीं अनुसूची में रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। दोस्तों, ये आर्टिकल 243 में इसे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, इसे आपको याद रखना है, पंचायती राज आरंभ करने वाला जो प्रथम राज्य था वो था राजस्थान। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संस्कृत को राज्य की भाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, संस्कृत को राज्य की भाषा का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य है वो है दोस्तों उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने अपने राज्य की भाषा को, संस्कृत को राज्य की भाषा का दर्जा दिया है, इतना याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों, बात आई है उत्तराखंड की, तो हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्या। दोस्तों, उत्तराखंड में ही जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क का ही पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, मूल्यवर्धित टैक्स यानी कि वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, मूल्यवर्धित टैक्स यानी कि वैट लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है हरियाणा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हरियाणा हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की दोस्तों राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण, और जो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश को 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था। अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है दोस्तों अभी हैदराबाद है, किंतु आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती। तो इतना आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों, जो भारत का 25वां हाईकोर्ट बना है वो भी आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है, तो करंट अफेयर के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है,
प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ही आलू अनुसंधान संस्थान है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आठवां, पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। दोस्तों 1951 में, जी हाँ 1951 में ही पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और यदि बात की जाए कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, दोस्तों आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आर्टिकल 356। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और 360 में, जी हाँ 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। यदि बात की जाए राष्ट्रपति शासन की, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, और पंजाब में 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब दोस्तों पंजाब को देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। जो पंजाब के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर, और वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, मिड डे मील प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु मिड डे मील लागू करने वाला प्रथम राज्य है। दोस्तों इसके मुख्यमंत्री बारे में हमने बात कर ली है ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, जो कि अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों यदि बात की जाए कि भारत के वर्तमान जो लोकपाल हैं, यानी कि पहले लोकपाल कौन है, तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों ये करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महिला बैंक स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में पहली महिला बैंक को स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों सारे जो प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो रोजगार गारंटी शुरू करने वाला जो प्रथम राज्य है दोस्तों वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य है, इसके बारे में हमने ऊपर भी बात कर ली है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया उइके, और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 16वां, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं कमलनाथ, और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन। दोस्तों एक मध्य प्रदेश से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में हैं दोस्तों, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क वगैरह सब इसी में हैं। और जो मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, और मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 वर्ष से नंबर 1 स्थान पर रहा है। तो ये भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां प्रश्न है, पूर्ण स्वच्छता का दर्जा हासिल करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पूर्ण स्वच्छता का दर्जा हासिल करने वाला देश का प्रथम राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। दोस्तों जो चीन की सिक्किम की सीमा है वो चीन से लगती है, डोकलाम विवाद को आपने जरूर सुना होगा, वो चीन सिक्किम सीमा के पास ही है। 18वां प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और यदि विश्व की बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न है 19वां, देश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे का दर्जा किसे दिया गया है, तो दोस्तों इसे दिया गया है कांडला। कांडला एक पोर्ट है, बंदरगाह है, इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है जो कि गुजरात में है। अब दोस्तों बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात के दोस्तों जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो है विजय रूपाणी, और जो गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों उनका नाम है, गुजरात के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। दोस्तों 20वां प्रश्न है, देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो दोस्तों देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, ये प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है। देश का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर में, जी हाँ पंतनगर में स्थापित किया गया है, तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, दोस्तों जो देश का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला कार्बन मुक्त राज्य है, एकदम राइट आंसर ये है। 23वां प्रश्न है, देश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों देश का जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वह चित्रकूट में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है कि चित्रकूट कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। 24वां प्रश्न है, देश का प्रथम ई साक्षर राज्य यानी कि डिजिटली जो है वो पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य है, तो वो है दोस्तों केरल। दोस्तों हाल ही में इंटरनेट को केरल के मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो डिजिटल है काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और देश का प्रथम जो ई साक्षर राज्य है वो है केरल। अगला प्रश्न है 25वां, देश का पहला डाक ATM कौन सा है, दोस्तों देश का जो पहला डाक ATM है वह चेन्नई में स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई। दोस्तों हमने आपको 25 ऐसे प्रश्न बताए जो देश के प्रथम राज्य से संबंधित था, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अभी लेखपाल की भर्तियां आने वाली हैं, वन रक्षक की परीक्षाएं दोस्तों आयोजित होने वाली हैं, और SSC और रेलवे की कभी काफ़ी परीक्षाएं होने वाली हैं, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज का प्रश्न ये है कि देश का जो सबसे छोटा जिला है यानी कि पूरे देश में जो सबसे छोटा जिला है उसका नाम क्या है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को खूब शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।